नमस्कार, स्वागत है पत्रकार वार्ता में और मैं हूं आपके साथ जुबेर कुरैशी। पत्रकार वार्ता में आज हम एक ऐसे मुद्दे को पर चर्चा करेंगे जिसने मध्य प्रदेश के हजारों कर्मचारी और अधिकारियों का भविष्य प्रमोशन की जो बात कही जा रही है उसको लेकर अभी तक सरकार का रुख स्पष्ट नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अब अपने स्तर पर दे सकती है और नहीं भी दे सकती है, यानी कि साफ है कि अब सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सरकार अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं ले सकी है कि किस तरह से दोनों वर्गों को, चाहे SC ST के वर्ग हो या जनरल कैटेगरी के वर्ग हो, किस तरह से साधा जाए। चुनाव करीब है, सरकार के सामने स्थिति विकट है। संभवतः ये सरकार क्या करना चाहती है, किस तरह से दोनों वर्गों को साधने की कोशिश करेगी, ये उसके लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है और ये बड़ी समस्या बनी हुई है। साथ में ये जो आरक्षण में पदोन्नति में आरक्षण का मामला है वो सरकार के गले की हड्डी बन गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की यह बात कि कोई मायका लाल आरक्षण में पदोन्नति को नहीं रोक सकता, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई और साफ कहा है कि अगर राज्य सरकारें चाहें तो अपने हिसाब से कानून बना सकती हैं। तो जो SC ST के दे सकती हैं। साथ ही जो आपको एक और जो सबसे कड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में लगभग 1000 कर्मचारियों को पहली बार प्रमोशन मिलना था लेकिन ऐसा हो नहीं सका। विभागीय पदोन्नति समिति यानी DPC की बैठक भी हो चुकी है लेकिन आदेश जारी नहीं होने से ठीक पहले प्रमोशन में आरक्षण का मामला, ये सिलसिला लगातार जारी बना हुआ है। हर साल जो कानून के हिसाब से लीगली नियम के तहत भी प्रमोशन पा सकते थे वो भी इस कारण, क्योंकि मामला कोर्ट में चल रहा था, इस कारण से पदोन्नति से वंचित रहेगा। अभी भी ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। क्या करे सरकार, किस तरह से कानून बना, इसको लेकर सरकार असमंजस में कशमक की स्थिति में। इसी मुद्दे को लेकर आज हम पत्रकार वार्ता में चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान के रूप में स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, समीक्षक हैं अजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ में वरिष्ठ पत्रकार अनिल, डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत अनिल बहुत स्वागत है। शुरुआत अजय बोकिल जी आपसे, एक बार गेंद फिर से राज्य सरकार के पाले में डाल दिए और सरकार कोई, चाहे SC ST के हो चाहे जनरल कैटेगरी के हो, लगातार ये रिटायर हो रहे हैं और प्रमोशन से वंचित हैं। मामला था लेकिन इसको, इसमें राजनीति इसमें प्रवेश कर गई इसलिए ये मामला बहुत ज्यादा उलझ गया है। मूलतः संविधान था, उसकी अनुसूची 35 में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि SC ST को, जाति जनजाति के लोगों को आरक्षण नौकरियों में सरकारी दिया जाएगा क्योंकि वो सभी दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। उसके बाद फिर पिछड़ों का आंदोलन चला तो पिछड़ों को भी शामिल किया उसमें, आरक्षण में जो है वो किया गया। इस ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो ये सुप्रीम कोर्ट ने तय किया भाई आरक्षण कितना भी दे लेकिन 50% ज्यादा चाहिए, ये उन्होंने एक कैप लगा दिया। लेकिन सवाल यह है कि जब हुई तो उसमें फिर हुआ कि प्रमोशन में भी आरक्षण का नियम सरकार ने बनाया और तब से विवाद खड़ा हो गया। नौकरी कोई बात नहीं है, दिया कितना दिया जाए इसको लेकर के विवाद है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट है कि इस पर अब कोई विचार करने, जो पहला फैसला नागराज केस में आया था उस पर विचार करने की जरूरत नहीं है, तोड़फोड़ थी वो तो पहले हो गई और अब फिर वो वोट बैंक बिखरने लगा इसी मुद्दे को लेकर के, ये उनके लिए बड़ी समस्या है। और कम से कम मध्यप्रदेश का यहां तक सवाल है तो शिवराज सरकार इसमें क्या करेगी अभी कहना मुश्किल होगी, उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अपने को कैसे इस मामले में आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, सरकार कशमकश की स्थिति में आगे बढ़े, सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि एक बार फिर से उनकी गेंद उनके पाले में डाल दिया। सरकार अब तक तो इस चीज से बची हुई थी कि कोर्ट में मामला चल रहा है, हाई कोर्ट में पहले मामला गया फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, अब फिर से एक बार गेंद सरकार के पाले में। डॉक्टर अनिल सिरवैया जी, क्या मानते हैं सरकार को इस पे अगर तत्काल निर्णय नहीं लिया तो आने वाले चुनाव में इसको कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस मुद्दे को लेकर? निश्चित तौर पर ये मध्य प्रदेश में जो है एक बहुत महत्वपूर्ण और एक बहुत ही प्रमोशन में आरक्षण का, और खासकर तब जब मध्य प्रदेश में बिल्कुल चुनाव दहलीज पे खड़ा हुआ है और एक मध्य प्रदेश की राजनीति में और सामाजिक व्यवस्था में नए नए घटनाक्रम हो रहे हैं, जो नई नई बातें सामने आ रही हैं, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे संगठन बन रहे हैं जो आरक्षण के विरोधी हैं वो भी लगातार सक्रिय हो रहे हैं, अपने एक राजनीतिक पार्टी भी बना ली,
इन सारी चीजों के बीच प्रमोशन में आरक्षण का जो मामला है निश्चित तौर पर सरकार के लिए एक बहुत ही जटिल, बहुत ही मतलब जिसका कोई हल फिलहाल तो उसको कोई दिखाई नहीं देता। और मेरा ऐसा मानना है कि इस मामले में कोई भी दो कदम आगे या दो कदम पीछे जाने की बजाय सरकार स्थिर रहना पसंद करेगी, जो अभी सिचुएशन है, जो स्थिति है, उसको यथास्थिति रखेगी, ना वो उसमें अभी का ये कहने की स्थिति है या ये करने की स्थिति में है कि प्रमोशन आरक्षण देने के लिए कुछ नए नियम बनाए, सुप्रीम कोर्ट ने छूट दी है, मतलब जो उसके विवेक पे छोड़ा है कि आप चाहे तो ना करें, तो मुझे लगता है ना सरकार इस समय जो है प्रमोशन में आरक्षण देना चाहेगी और ना ही ये कहना चाहेगी कि वो आगे देगी या नहीं देगी। तो इस मुद्दे पर तो सरकार का मौन ही उसके लिए सबसे बड़ा समाधान है। सरकार जितनी मौन रहेगी वही समाधान है। बाकी इस मामले में जो भी फायदा नुकसान आए वो एक अलग विषय है। अगर लेकिन सरकार इसमें कोई भी अपना मुंह खोलती, कोई भी कदम बढ़ाती है, तो शायद वो स्थिति एक विस्फोटक स्थिति बन जाएगी, क्योंकि दोनों वर्ग एकदम जो है सरकार से के सामने है। एक तरफ कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है सरकार के पास, तो मुझे लगता है सरकार इस समझ में आती है सरकार का। लेकिन मौन रहती है, ठीक है, मौन रहने से भी सरकार का समाधान हल नहीं हो सकता। आपने जैसा कहा, एक तरफ कुएं एक तरफ खाई वाली स्थिति है, ना उगल पा रही है ना निगल पा रही है। लेकिन जो मौन रहने की वजह से जो कर्मचारी पदोन्नत होने वाले थे वो भी नहीं हो पा रहे हैं, तो सरकार जा पाएगी? डॉक्टर साहब, मैंने कहा ना कि ये एक ऐसा मसला फंस गया है सरकार का कि इसमें सरकार चाहते हुए भी, ये बात सही है कि करीब करीब 40,000 से 45,000 कर्मचारी पिछले 2 सालों में, जब ये मामला जो है हाईकोर्ट में गया था, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में, और जब हाईकोर्ट का फैसला आया उसके बाद अक्टूबर 2016 में, अब तक करीब करीब 35,000 से 40,000 के आसपास कर्मचारी जो रिटायर हुए हैं, और उनको जो उनका वास्तविक लाभ था पदोन्नति का, जो उनको नियमानुसार ही मिलनी चाहिए थी, जिसमें उनकी वरीयता बनती, वो भी बिना उसके रिटायर हो गए, और उनको उसका काफी नुकसान, आर्थिक नुकसान भी होती है, उसका जो सारा फर्क उनकी पेंशन और बाकी जो दूसरे स्वत्व होते हैं उन पर पड़ता है। अब इन लोगों को सरकार क्या राहत देगी? सरकार ने एक रास्ता दिया था कि जो लोग रिटायर हो गए हैं उनको हम किस तरह से लाभ देती में आरक्षण में, जब से इस पर रोक लगी, लेकिन वो रास्ता सरकार उस पर अमल नहीं, हालांकि उन्होंने कहा है कि जो लोग एक उस अवधि के बाद रिटायर हुए हैं सरकार उनके बारे में कोई फैसला लेगी, ऐसा उनका विचार है। लेकिन अभी चूंकि अब चुनाव की आचार संहिता और घोषणा होने में 4-6-8 दिन का ही समय बचा है, अब तक तो सरकार ने ऐसा कोई नीति, कोई ऐसा निर्णय, कोई ऐसी बात जो सामने नहीं रखी है कि उन लोगों को यदि कोई लाभ देंगे तो वो क्या लाभ होगा, उसकी रीति नीति क्या होगी, उसकी प्रक्रिया क्या होगी। तो ये एक बड़ा ऐसा मसला मतलब फंस गया ये कि इसमें जो लोग वर्तमान में उनको भी एक नुकसान तो हो ही रहा है, और जो रिटायर हो गए उनका तो खैर उनका कुछ ज्यादा ही नुकसान उसमें हुआ है। बिल्कुल, नुकसान तो हो रहा है और नुकसान पहले भी हो चुका है और तो हो ही रहा है। अजय जी, एक और सवाल जो आ रहा है बार बार, सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर की बात की है कि क्रीमी लेयर प्रमोशन में आरक्षण दिया जा सकता है पदोन्नति में, साथ में ये आ रहा है कि सरकार के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है कि अब चुनाव में जैसे अनिल जी भी बोला कि आचार संहिता जल्द लागू होने वाली, क्या सरकार मामले दे हुए और क्रीमी लेयर को किस तरह से प्रमोट किया जा सकता है? देखिए, इसमें क्या सरकार की चप्पी साधने का सवाल जहां तक है, तो अनिल जी ने कहा है कि सरकार इस मौके पे बिल्कुल नहीं भूलेगी, और वही उनका उसी नीति पर शायद वो चल रही है, क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उस पर अमल करना भी कोई आसान काम नहीं है। अभी तक क्रीमी लेयर की व्यवस्था केवल ओबीसी में है, अन्य पिछड़ा वर्ग में है कि किनको आरक्षण, लेकिन वो आरक्षण के लिए नहीं है, आरक्षण किनको दिया जाए और किनको नहीं दिया जाए उसमें भी अभी पिछले साल उसकी जो वो भी आर्थिक आधार पर है, क्योंकि जिनकी सालाना इनकम 8 लाख रुपए से ज्यादा है वो क्रीमी लेयर में आते हैं। अब सवाल है कि ओबीसी का जो नॉर्म है वो क्या SC ST में लागू किया जा सकता है, पहला सवाल ये आएगा। अगर वो नहीं किया जा सका तो फिर SC ST के लिए रखेंगे। दूसरी कि अगर जो जिस पर सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है वो ये कि आरक्षण की व्यवस्था जो है वो कितनी पीढ़ियों तक चलेगी, जो लोग ऊंचे पदों पर चले गए हैं क्या उनकी संतानों को भी आरक्षण मिलेगा, क्या जब उनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई, उनका शैक्षणिक पिछड़ापन दूर हो गया, सब कुछ हो गया, तो फिर उनको आरक्षण की जरूरत क्या है? उसकी जगह उन लोगों का आरक्षण क्यों ना मिले जो इसके वाकई हकदार हैं, पतन होना चाहिए। लेकिन फिलहाल तो उसका कोई रास्ता दिखता नहीं है, और आर्थिक
लेयर की बात आपने कही तो क्रीमी लेयर तक हम मशक्कत करना पड़ेगी, हो सकता है कोई आयोग बना अगर सरकार करना चाहे तो। और ये सिर्फ बीजेपी का सवाल नहीं है, ये कोई सी भी पार्टी की सरकार है, किस मामले वो क्या और कैसे लेते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के सामने, खास तौर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने बड़ी चुनौती, जिन्होंने कहा था कि कोई भी माइका लाल आरक्षण में प्रमोशन आरक्षण को नहीं रोक सकता। डॉक्टर साहब, मुख्यमंत्री ने ये जिस का बयान दिया था वो उनके गले की हड्डी की तरह, आप सपाक्स खड़ा हो गए, सपाक्स पूरी तरह जिस गठन की और चुनाव लड़ने की घोषणा की, कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री जी की जो ये बड़ा कोई माइका लाल उसका असर सपाक्स पे पड़ा, और इससे कई दुविधा ये कि अब ये नहीं बोलते कोई ये राजनीति में बात कही जाती है कि कोई भी कितना भी चतुर नेता होता है, जो लीडर ज्यादातर हम देखेंगे नेता के लिए इस तरह के सब ज्यादा होते हैं कि वो बड़े चतुर नेता थे। मध्य प्रदेश की राजनीति के रूप में स्थापित हो चुके और उनको माना जाता है चतुर, लेकिन इसमें गलतियां होती है। कई चौहान जी के राजनीति करियर की अगर सबसे बड़ी खासियत रही है कि उनकी एक भाषण शैली, उनकी बोलने की कला पर वो लोगों को आकर्षित कर लेते हैं, उनकी कैसे होती है उसी जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो माइका लाल जो उन्होंने कहा उनके राजनीतिक इतिहास का गलती की है, क्योंकि जिस तरह का जो माहौल बन रहा है आरक्षण और आरक्षण की नहीं है जी, उस एक बयान के बाद से जी जिस तरह का माहौल बना है उस आप देखिए समाज को जो बांट दिया है, केवल एक आरक्षण की प्रमोशन की ये तो एक उसके आधार हो गए थी, लेकिन उसके बाद अब कितनी सारी चीजें समाज में ऐसी आ गई हैं कि अभी तक जो लोग मिलजुल के रहा करते थे प्रमोशन में आरक्षण में कोई अभी से नहीं था, या आरक्षण अभी से नहीं है, 50 साल से आरक्षण है और 2002 से प्रमोशन में आरक्षण है, लेकिन तब भी लोग जो है एक जो जो वहां और उसके बाद जिस तरह से जो हालात बने उसे समाज को बांट दिया है। तो ये जो भी ये सब घटनाक्रम हुए, जो भी ये बातें आई, ये समाज को एक ऐसी दिशा की तरफ ले जा रही हैं जिसको अच्छा नहीं माना जा सकता। एक जो समाजता थी, जो भाईचारा था, अब खटास उसमें उस बयान से जो भाव निकले जो, तो उसने एक खटास पैदा की। इसी बात को दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता था, इस मुद्दे को किसी दूसरे तरीके से भी हल किया जा सकता था, लेकिन ये बात का अंदाजा नहीं होगा कि मेरे बोलने का ये असर होगा, और वो असर ये होगा कि कभी जिन लोगों को उन्होंने उपकृत किया है, अपने प्रशासनिक पूर्व अधिकारियों को जिन्होंने उन्हें उपकृत किया, दो कदम आगे जाके उपकृत किया, एक समय वही उनके लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बनेंगे। मैं बात कर रहा हूँ सपाक्स की, जो उसके संरक्षक है, वो मुख्यमंत्री की भी सूचना आयुक्त भी रहे, सूचना आयुक्त रहे, जहाँ उनको उपकृत किया। तो कहने का मतलब ये है कि चीजें इस तरह से बदलती हैं और इस तरह से चीजें जो चुनौतियां बनती हैं, तो इसमें निश्चित तौर पे आप देखिए एक सामान्य एक आम आदमी की दृष्टि से भी सोचे, हम तो कोई कोर्ट नहीं है, कोई कचहरी नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, कोई प्रशासनिक व्यवस्था हम लोग नहीं जानते, और अगर हम सामान्य बुद्धि से भी सोचे, खासकर चुनावी राजनीति में और चुनावी साल में, उसके बाद भी चुनावी साल में कोई भी सरकार, यहाँ अभी चाहे बीजेपी है या शिवराज सिंह है, उसकी जगह कोई कांग्रेस होती है या कोई और लीडर होता, वहाँ ये स्थिति होती तो उसके लिए भी वो कोई भी रिस्क लेने के लिए कोई नहीं स्थिति में नहीं है, क्योंकि सबको सभी का वोट चाहिए। सरकार किसी एक व्यक्ति के वोट से या किसी एक वर्ग के वोट से नहीं बनती है, सरकार एक समन्वित वोट से बनती है, तो उसमें सभी की भागीदारी होती है। कोई कहे कि हमें केवल इसी समुदाय का वोट मिल जाए उससे हम सरकार बना लेंगे, कोई कहे कि हमें इसी जाति का, तो हम सरकारों को बनाने में सभी का सहयोग चाहिए, सभी का एक होता है। और एससी एसटी की बात करें, 38% की पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में, 38% जो वो है वोटर वो एससी एसटी के हैं। ओबीसी की बात करें तो 52% है, बाकी फिर सामान्य भी है, मुस्लिम भी है, ईसाई भी है। इसी को भी हम आहत करें कि हमारे वोट बैंक में थोड़ी भी फर्क पड़े। ये वोट बैंक की राजनीति और वोट बैंक की राजनीति को लेकर सीएम ने इतना बड़ा बयान दिया था कि माइका लाल जो आज उनके खुद के लिए गले की हड्डी साबित हो चुका है। जी आ रहा है कि ठीक है, सीएम ने बोल दिया कि कोई माइका लाल आरक्षण में रोकने प्रमोशन में आरक्षण नहीं रोक सकता, ये आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। सवाल ये आ रहा है कि अब जो स्थिति बनी है, एक तरफ सपा के एक तरफ अजाक है, लेकिन कर्मचारी जो हैं वो तो सबसे ज्यादा दुखी हैं, सबसे ज्यादा समस्याग्रस्त तो कर्मचारी हैं, जिनको समय पे प्रमोशन मिलना चाहिए था, प्रमोशन मिल सकता था,
वो प्रमोशन की कगार पर भी पहुंच चुके थे और लेकिन बिना प्रमोशन के वंचित रहिए, रिटायर्ड हो गए और ये सिलसिला जारी है। तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या सिर्फ अपने वोट बैंक के बारे में सोच रही है, जो ये कर्मचारी उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? निश्चित रूप से सरकार की पहली प्राथमिकता तो अपना सरकार बचाना है, वोट बचाना है, सरकारी कर्मचारी तो उसके बाद आते हैं। अभी इसका एक बीच का रास्ता सरकार ने अभी पिछले साल ही निकाला था कि जो कर्मचारियों को जो इनको प्रमोशन नहीं मिल पा रहे हैं, सेवाएं उन्होंने बढ़ा दी थी ताकि उसको इस तरह से उनको कुछ उसको राहत दी जा सके। हालांकि वो समस्या का अभी ठीक है दो साल कुछ, लेकिन उससे प्रमोशन तो नहीं मिला ना। सरकार ने निर्णय लिया क्योंकि ऐसे पैसे नहीं है, तो तनख्वाह देने के लाले पड़े हुए हैं, तो वो भी सरकार ने उसको बुलाया एक तरह से। लेकिन ये सब तात्कालिक उपाय हैं, इससे कोई समाधान होने वाला नहीं है। इसको मध्य प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश भर मामला है। इस पर सारी सरकारों को बैठ करके एक या तो उसमें कमेटी बनाई जाए या कुछ ऐसे बैठ करके एक समाधान निकालना पड़ेगा कि आखिर इसका निदान क्या हो और कैसे हो। क्योंकि सवाल यह है कि ये अगर जिस तरह के आंकड़े और ये सब जुटाने पड़े हैं और इसके रिपोर्ट तैयार करने वाले कौन कितना दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, ये बहुत जटिल मामला, इतना आसानी से वाला नहीं है। ये एक लंबा टाइम से चल रहा है, दो साल से ज्यादा से ही सरकार की गेंद सरकार के पाले में आ जाती है, कभी वो गेंद कोर्ट के पाले में चली जाती है। फिलहाल जो स्थिति है, क्या डॉक्टर साहब ऐसा नहीं लगता कि जो असपाक से या जो अजाक से या जो दोनों वर्ग के जो हैं, चाहे एससी एसटी के हो चाहे जी, उनको बैठ कर भी इस पर कोई रास्ता नहीं निकालना चाहिए? क्योंकि सफर तो दोनों लोग ही करना है, दोनों वर्ग के कर्मचारी करना, अधिकारी करना है, चाहे एससी एसटी के हों चाहे जनरल कैटेगरी के हों। ना तो एससी एसटी को नियम के अनुसार प्रमोशन मिल पा रहा है, ना जनरल को मिल रहा है, ऐसा कोई रास्ता निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है, लेकिन सबसे इसमें एक जो विषय है वो ये है कि इसकी कौन पहल करे। अभी तक अक्टूबर में जो 16 तारीख आएगी, पूरे दो साल हो जाएंगे, इन दोनों वर्गों के बीच सुलह कराने की कभी सरकार ने की ना कभी किसी तीसरे पक्ष ने, कोई मध्यस्थ पक्ष कौन है उसमें, तीसरा पक्ष केवल सरकार बचती है बस, और कोई उसमें सरकार ने कभी सब। लेकिन मुझे लगता है इससे भी समाधान कोई गुंजाइश इसलिए नहीं है उसका, अगर वो प्रमोशन आरक्षण का आधार पूरा आंकड़े हैं, डेटा है, उसके आधार पर उसने वो बात कही है कि भाई हमें मिलना, जो अनारक्षित वर्ग है जो सपाक से है, कौन सही है और कौन गलत है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें, तो उस पर कुछ ज्यादा जो है चिंतन करने की उसमें जरूरत है। और मुझे सही कुछ हो सकता है जो या जो अनारक्षित वर्ग है ये अपनी तरफ से कोई पहल करें। बाकी मुझे लगता है ये कहीं भविष्य में ये मामला हो वो ठीक उस तरह से जैसा कि जन्मभूमि मामला था जो बड़े सालों साल चलता रहा, और कि जब दोनों पक्ष जो है नहीं आएंगे तब तक तो उसका हल मुझे सरकारों मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं जो है, और आपसी सहमति में ये इसका ये भी एक मुझे ऐसा संभावना नजर आ रहा है। चलिए एक डॉक्टर अजय बकुल जी आपसे एक सवाल मेरा था कि आरक्षण जरूरी है, हमारे मुख्यधारा से दूर है, उनसे भी लेके उनके जिस तरह से उनका वो है, लेकिन कहां तक आते हैं? पदोन्नति में आरक्षण इतने जिसमें बहुत सारे पद ऐसे हैं जहां पे एक पद ही है या दो पद ही है, तब उसमें आरक्षण तो लागू करना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात यह कि जिम्मेदारियां क्या है कि नहीं है सवाल है, एक स्तर पर तो निकल सकता है, लागू आसानी से कर सकते हैं, लेकिन उससे ऊंचे पदों के लिए आरक्षण लागू करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी उसमें बातें इसमें इन्वॉल्व होती है, नहीं है उसमें वो सवाल है, योग्य अनुभव का भी सवाल, तो इन सकते आरक्षण लागू किया सकता है। और जहां एक एक है कि अगर बैठकर हुआ क्या कि जब अगर इन लेवल पर आरक्षण मिलने लगे धीरे धीरे वो चीजें आई मिलेगा, लेकिन ये कुछ सालों बाद स्थिति अपने आप बन जाएगी कि भाई सभी वर्गों के लोग पदों पर पहुंचने लगेंगे, ये एक एमिकेबल सॉल्यूशन है। आपका कहना है अगर एक पद उस पर प्रमोशन दिया जाए ना कि आरक्षण के नाम पर प्रमोशन दिया जाए, तो उस पर योग्यता को मायने जाना चाहिए, क्या आप इस बात से इस तरह ठीक मिलना चाहिए, मतलब कुछ लोग हैं या दलित हैं या जो मुख्यधारा से दूर उनको आरक्षण मिलना चाहिए, कोई इस पे सब सहमत है, लेकिन जो उसमें आरक्षण को मैं आप क्या मतलब कारण शॉर्ट टर्म के लिए, दरअसल आरक्षण जो था संविधान में जो कहा, संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई तो इसके पीछे उद्देश्य क्या था, इसके पीछे का उद्देश्य था रिप्रेजेंटेशन, कि जो मुख्य धारा में नहीं है तो वो आगे आए, और दूसरा प्रतिनिधित्व का समाज की हर व्यवस्था में, राजनीति में, प्रशासन में,
प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जब प्रतिनिधित्व ओवरऑल प्रतिनिधित्व पदोन्नति में जो आरक्षण का मसला है वो प्रतिनिधित्व के कारण ही इसको लाया गया। फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ऑफिसर है उनका कितना है, फोर्थ क्लास के तो उनका कितना है, तो इनको सरकारी पदों में भी प्रतिनिधि इसके लिए पदोन्नति में तो प्रतिनिधित्व तो होनी चाहिए ना कहीं भी भाई सरकार में। जैसे आप मान के चलिए कि योग्यता नहीं होनी चाहिए, योग्यता भी उसका केवल जाति के आधार पर थोड़ी मिल रहा है प्रमोशन, उसमें उसकी सीआरवी देखी जाती है, उसका रिकॉर्ड भी देखा जाता है, ये से है वर्ग से तो उसका प्रमोशन हो जाएगा, सीआरबी तो उसमें उसकी देखी जा रही है ना। बस ये है कि उसको क्योंकि वो आरक्षित वर्ग से तो उसका एक लाभ उसको मिलता है कि जो है जैसे मान लीजिए किसी के खिलाफ कोई जांच चल रही थी, किसी ने कोई घोटाला किया था, कोई आरोपी हो गया था और वो आरक्षित वर्ग से था और फिर भी उसको जो है उसका प्रमोशन मिल गया। प्रमोशन में रिजर्वेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि केवल कास्ट सर्टिफिकेट को और उसको आगे बढ़ा दो, और भी उसमें जो है उसके पैमाने, उसकी सीआरबी देखी जाती है, उसका रिकॉर्ड भी देखा जाता है, उसकी वर्दी, ये सब चीजें हैं उसमें। अच्छा जैसे जब तक सवाल ये कि अब इसका कैसे, डॉक्टर साहब ने कहा कि ये भी कहीं जाके आगे जाके राम मंदिर अयोध्या के राम मंदिर जैसे मुद्दा नहीं बन जाए, सालों साल इस पर निर्णय नहीं हो पाए और स्थिति भी लगता है सरकार की जो मौन है, इस सरकार ने जिस जो इस मुद्दे पर खामोशी अख्तियार कर ली है, चुप्पी साध रखी है, उसको देखते हुए लगता है कि सरकार अभी आरक्षण प्रमोशन के मामले को लेकर ये नहीं है, उसको मामले को भी ठंड में डालने की नजर आई है, कुछ भी है सरकार राजनीति खातिर इस मुद्दे को नहीं छेड़ना चाह रही, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि सरकार चाहे तो पदोन्नति में आरक्षण के मसले को सुलझा सकती है। दूसरा रास्ता है कि अगर दोनों वर्ग के लोग बैठ के इस मामले पर कोई हल निकाले और सरकार इसमें थर्ड बीच की भूमिका तो भी शायद इसमें हल निकल सकता है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसे हालत दूर दूर तक नहीं नजर आ रहे हैं और जो कर्मचारी प्रमोशन के इंतजार में बैठे हुए वो बिना प्रमोशन के रहे प्रमोशन वंचित होकर रिटायर होते हो रहे हैं, निवृत्त हो रहे हैं, और ये सिलसिला देखना ये कि आगे कब तक जारी रहेगा, शायद क्या शायद चुनाव के बाद उनको कुछ राहत मिल सके, कोई सौगात मिल सके, ये आने वाले चुनाव के बाद देखने को मिलेगा। फिलहाल पत्रकार वार्ता में इस मुद्दे पर इतना ही, दोनों मेहमान हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ वर्ल्ड, नमस्कार।